नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि मेजर बिल्डिंग मटेरियल यानी कि आपका सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, ईंटें, ठीक है, इसका रेट 2023 में जुलाई के महीने में क्या चल रहा है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, और बिहार में। तो चलिए हम एक एक करके सभी बिल्डिंग मटेरियल जो मेजर हम बात किए हैं उसके ऊपर उसका रेट हम बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर सीमेंट का बात कर ले तो एक बैग का कीमत अभी आप 370 रुपया लगेगा। 370 रुपया का जो आसपास सीमेंट लेंगे एक बैग, तो उस सीमेंट से आप कम से कम ईंट जुड़ाई का काम कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टर वर्क कर सकते हैं और PCC जिसमें सरिया यूज नहीं हो वो कंक्रीट के लिए यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा का अगर बात कर ले तो 410 रुपया है एक बैग का कीमत, ठीक है। एक अच्छे ब्रांड का सीमेंट लेंगे तो महंगा सीमेंट लेंगे उससे आप, ठीक है, कंक्रीट वर्क कर सकते हैं। कंक्रीट वर्क में RCC जैसे कि हो गया स्लैब के लिए, ठीक है, बीम, कॉलम, ठीक है, और 370 रुपये के आसपास जो प्लेन सीमेंट मिलता है 350 से लेकर 370 रुपया, उससे जुड़ाई का काम, प्लास्टर का और नॉर्मल PCC वर्क जो होता है जिसमें सरिया यूज नहीं करते हैं उसके लिए हम ये सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में आपको 370 से 410 रुपया के बीच में सीमेंट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सरिये का, तो देखिए एक कुंटल का, ठीक है, एक कुंटल का कीमत अभी के डेट में एक लोकल या बोलते एवरेज कंपनी का लेंगे लोकल सरिया, ठीक है, तो 6500 से लेकर 6700 रुपया एक कुंटल का पड़ेगा और एक कुंटल में 1000 kg आता है, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छे सरिया ले रहे हैं आप, जैसे कि टाटा ले रहे हैं, जिंदल, उसके बाद हो गए कामधेनु, ठीक है, तो आपको 7500 से लेकर 7800 रुपया एक कुंटल का पड़ जाएगा, ठीक है। और एक लोकल सरिया का अगर बात कर ले तो 6500 से लेकर 6700 रुपया में, ठीक है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने मार्केट में जो अवेलेबल रहे, ठीक है, उसके अनुसार प्रेफर ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे सैंड का रेट, तो 100 CFT सैंड, बालू, रेत, ठीक है, उसका कीमत कम से कम 6500 से लेकर 6500 रुपया आपका पड़ जाएगा, ठीक है। और 100 CFT बराबर एक ब्रास होता है और यह 100 CFT में एक टेलर अट जाएगा, ठीक है, वन टेलर अट जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एरिया का अगर बात कर ले तो 8000 से लेकर 8500 रुपया आपका पड़ जाएगा, ठीक है, तो यह बिहार तरफ एरिया में पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक अगर बात कर ले एक CFT का तो हमारे एरिया में 80 से लेकर 85 रुपया पड़ता है और कम से कम 6500 के आसपास पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 8500 रुपया पड़ जाएगा। और वहीं पे गिट्टी का अगर बात कर ले दोस्तों, जिसको हम लोग अदर नेम से जानते हैं खड़ी, ठीक है, मेटल ब्लास्ट जो भी रहे, तो 100 CFT यानी कि एक ब्रास हो गया जैसे बताए थे और एक टेलर अट जाएगा गिट्टी, तो मेरे एरिया के अकॉर्डिंग 8500 से लेकर 9000 रुपया एक 100 CFT यानी एक ब्रास का पड़ जाएगा, ठीक है। और किसी किसी एरिया में तो यह 11000 के आसपास 100 CFT का पड़ रहा है कीमत अभी के डेट में, ठीक है। और जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे गिट्टी बनता है, तो वहाँ पे आपका सस्ता पड़ जाता है, ठीक है, 60-65 रुपया एक CFT का पड़ जाता है, 6500 रुपया एक 100 यानी कि एक ब्रश का कीमत पड़ जाता है, 100 CFT यानी एक ब्रश। इसी के साथ हम ब्रिक का बात कर ले ईंटे का, तो एक टेलर, ठीक है, एक टेलर में लगभग 1500 ब्रिक्स अट जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर ले ईंट का, तो देखिए कहीं कहीं ये 8 से लेकर 9 रुपया पर ब्रिक पड़ता है, ठीक है, तो 8 रुपया के अकॉर्डिंग 1500 ब्रिक यानी एक टेलर का 12000 और 9 रुपया के अकॉर्डिंग 13500 रुपया, ठीक है, एक टेलर या 1500 ब्रिक का। और मेरे एरिया का अगर बात कर लेंगे बिहार का, तो 15000 से लेकर 16500 रुपया, ठीक है, यानी कि 10 रुपया से 11 रुपया, ठीक है, पर ब्रिक का कीमत 10 से
₹11 पड़ रहा है पर ब्रिक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको और भी बिल्डिंग मटेरियल का रेट जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम बताने का कोशिश करेंगे, रिप्लाई देने का।